हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल का कहना है कि इस बार बीजेपी 75 के पार होगी और विपक्ष में कोई नहीं होगा और इसके अलावा इस बार की राजनीति का आधार विकास के साथ राष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद के साथ राष्ट्रनीति होगा। और क्या कुछ कहा विपुल गोयल ने वो भी आपको सुनवाते हैं। हरियाणा विधानसभा 2019 का रण शुरू हो चुका है और इसी के साथ अब यह भी तय होगा कि आखिर इस रण का जो सरताज है वो कौन बनेगा। इसी को लेकर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है इस समय कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल जी। सवाल बहुत सीधा है, कहते हैं बीजेपी का नारा है इस बार का 75 पार, लेकिन एक सवाल इसी सवाल में निकल कर आता है कि आखिर वो कौन सी ऐसी 15 सीटें हैं जिस पर पेच फंसा मानते हैं आप? देखिए, ये पेच फंसा या पेच निकालना या अटकना ये सब संगठन का काम है, लेकिन ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी मनोहर लाल जी के नेतृत्व में 75 पार करने हरियाणा के अंदर जारी है और जिस भी कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी उस कार्यकर्ता के साथ सभी लोग लगकर उसे चुनाव जिताने का काम करेंगे। कहते हैं सबका साथ सबका विकास, बीजेपी का हमेशा से ही इसी तरीके का नारा रहा है। अगर मैं हरियाणा के कॉन्सेप्ट में आपसे समझना चाहूं तो किस तरीके से आप देखते हैं कि इस बार के जमीनी मुद्दे 2014 के जमीनी मुद्दों से कितने अलग रहने वाले हैं? देखिए, जो जमीनी मुद्दे जिस तरीके से हरियाणा भारतीय जनता पार्टी को मिला था उस हरियाणा के अंदर एक समग्र विकास और एक लंबी लकीर मैं कहूँगा डेवलपमेंट की खींचने का काम किया, लेकिन आने वाले दिनों में हमारा कंपटीशन, हमारा चैलेंज अपने कामों से ही होगा कि जो पूर्व में किया उसे बेटर करना है, उसे आगे हरियाणा को ले जाना है और हरियाणा को देश का सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनाना है, ये हमारा संकल्प है। शुक्रिया सर आरएन टीवी से खास बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ विपुल गोयल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। शायद यही परिणाम हरियाणा के 2019 के परिणाम में देखने के लिए मिलेगा, जहां पर यह तय हो जाएगा कि आखिर किसको मिलेगी सत्ता और किसका कटेगा पत्ता। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं भावना, आरएन टीवी हरियाणा।